हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सो अब जैसे हम डे बाय डे अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमें आने वाली एक्सरसाइज में ग्रुप्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो भी हम एप्स या कोई भी एप्स जहाँ डिप्लॉयमेंट यूज करेंगे, मान लो कि इंट्यून में, तो उसमें हमें ग्रुप्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम कोई भी पॉलिसी या डिप्लॉयमेंट इंडिविजुअली यूजर एंड ग्रुप को सॉरी इंडिविजुअल यूजर को या डिवाइस को डिप्लॉय नहीं कर सकते। उस कंडीशन में हमें ग्रुप्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जैसे मैंने लिखा है, ग्रुप विल हेल्प अस अपकमिंग एक्सरसाइजेस, वेयर विल यूज दिस ग्रुप टू असाइन पॉलिसी, डिप्लॉय एप्स एटसेट्रा। ओके, इन मेम विल यूज ग्रुप फॉर टू मेन पर्पस। दो मेन पर्पस से हम इसको यूज करेंगे। पहला है असाइनमेंट। व्हेन यू क्रिएट ए पॉलिसी एंड ऐप, यू नीड टू असाइन दिस टू ग्रुप, एज यू कांट असाइन दिस टू इंडिविजुअल डिवाइस एंड यूजर। तो दूसरा है रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन से आपको आइडिया लग गया होगा कि कुछ भी हमने करना है तो हमने रोल डिफाइन करने हैं, और रोल ऑलरेडी डिफाइंड है। इसमें हमें उनको रोल को सिलेक्ट करके हमें स्पेसिफिक मेंबर्स को ऐड करना है। जैसे इफ यू हैव ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके पास एक बड़ी कंपनी है जहां पे मान लो आपको 10,000 20,000 यूजर्स हैं, ऑब्वियस है वहां पे आईटी स्टाफ भी बड़ा होगा, डिपार्टमेंट भी अलग अलग होंगे, तो आप वहां पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ परमिशन डिफाइन कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली आप यूजर्स को वो परमिशन अलाउ कर सकते हो। और जैसे ही आप रोल क्रिएट करोगे या ग्रुप्स क्रिएट करोगे, तो उनमें जो जो मेंबर्स डालोगे और उन मेंबर्स को वो सारे एक्सेस मिल जाएंगे, वो जो सेट ऑफ टास्क आपने ग्रुप में रोल में सेलेक्ट किए होंगे। तो जो मेंबर हैं या आप डिवाइस कह लो, वो दो तरीके से ऐड हो सकते हैं, असाइंड और डायनेमिकली। और असाइंड की बात करें तो वो स्टैटिकली हमें यूजर्स को या डिवाइसेस को ऐड करना होता है उनमें, और अगर हम बात डायनेमिक की करें तो वहाँ पे हमें सेट ऑफ लाइक मेंबरशिप रूल सेलेक्ट करने होते हैं, वो मैं अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा आपको। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हम सेट ऑफ रूल कर देंगे डायनेमिक में, जैसे जैसे यूजर की वो प्रॉपर्टीज में देखेगा कि ये प्रॉपर्टी यहाँ मैच कर रही है, उस यूजर को ऑटोमेटिकली उस ग्रुप का मेंबर बना देगा। तो इस तरीके से हम आने वाली वीडियोस में ग्रुप्स को यूज करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।